हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप कानून के बारे में जानकारी चाहते हैं, भारत के संविधान के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य के अंदर, उनकी जॉब प्रोफाइल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इसको जनरली हम चार पॉइंट में जानेंगे। पहला पॉइंट रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, एडवोकेट जनरल अपॉइंट कैसे होते हैं, नियुक्त कैसे होते हैं, कार्यकाल क्या होता है, सारी डिटेल। फिर सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली, क्या कार्य होता है एडवोकेट जनरल का, क्या राइट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह, सरकारें इन्हें कितनी तनख्वाह या सैलरीज प्रोवाइड करवाती है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या सुविधाएं, सरकार इन्हें क्या क्या पर्क्स या सुविधाएं देती है। जो पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट प्रोसेस या नियुक्ति प्रक्रिया, इसमें हम जानेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के गवर्नर एडवोकेट जनरल को नियुक्त करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर शैल अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। यानी जो गवर्नर होंगे या राज्यपाल होंगे, वह एडवोकेट जनरल को नियुक्त करेंगे। यानी जो अपॉइंटमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, गवर्नर के थ्रू, राज्यपाल के थ्रू। राज्यपाल एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे। भारत में वो सभी एडवोकेट जनरल बन सकते हैं जो हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। यदि कोई सिटीजन हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है तो वह एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा। अब जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या होती है एडवोकेट जनरल बनने के लिए, या फिर हाईकोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं हाईकोर्ट का जज कौन बन सकता है, या हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बनने की प्रोसेस क्या होती है, या कॉलेजियम के बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। आज फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, योग्यता बता देता हूँ कि हाईकोर्ट का जज या एडवोकेट जनरल कौन बन सकता है। हाईकोर्ट के जज या एडवोकेट जनरल बनने की योग्यता कुछ इस प्रकार है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत में किसी भी कोर्ट में 10 साल तक न्यायिक अधिकारी रहे हो, यानी ही मस्ट हैव हेल्ड अ पोस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर फॉर 10 ईयर्स इन आर कंट्री। फिर वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहे हो, यानी इंडिया के किसी भी हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने 10 साल तक प्रैक्टिस की हो। ये तीन एलिजिबिलिटीज़ है। इसके अंदर पहली वाली कंपलसरी है, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के नागरिक होने चाहिए। सेकंड और थर्ड जो है उसमें से एक कोई भी चल जाएगा, या तो वह जुडिशियल ऑफिसर रहें, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहें किसी भी हाईकोर्ट में 10 साल के लिए, या किसी भी कोर्ट में, या वह किसी भी हाईकोर्ट के अंदर 10 साल की उनकी प्रैक्टिस हो। तो इन दोनों में से एक कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो वह एलिजिबल है हाईकोर्ट के जज बनने के लिए व एडवोकेट जनरल बनने के लिए। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। एडवोकेट जनरल को हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, हिंदी में कहेंगे महाअधिवक्ता, या इसे हम प्रोनाउंस करते हैं महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल का पद हर राज्य में होता है, जितने भी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे एडवोकेट जनरल का पद या पोस्ट होती है। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, व मुख्य विधि अधिकारी, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। ये कई क्वेश्चंस आते हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन में आते हैं, जो जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी रिसेंट एक एग्जामिनेशन हुआ था जूनियर लीगल ऑफिसर का राजस्थान के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन था हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ कंट्री, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी जो एडवोकेट जनरल होता है, जो महाधिवक्ता होता है, वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है, याद रखिएगा। एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। आगे जानेंगे एडवोकेट जनरल के पद का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है, जब तक गवर्नर राज्यपाल चाहे तब तक वह राज्य का एडवोकेट जनरल रह सकता है। यानी अपॉइंटमेंट होगी वो भी राज्यपाल गवर्नर करेगा, एवं कब तक वह पोस्ट पे कार्यरत रहेंगे ये भी गवर्नर या राज्यपाल डिसाइड करेंगे। एडवोकेट जनरल का कार्य राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना होता है, लीगल एडवाइस देना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, या फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या गवर्नर होते हैं, उनको लीगल एडवाइस देने का काम एडवोकेट जनरल करते हैं या महाअधिवक्ता करते हैं। राज्य में जो भी विधि संबंधित कार्य राज्यपाल एडवोकेट जनरल को भेजता है, उस कार्य को करना एडवोकेट जनरल का काम होता है। यानी गवर्नर कोई भी काम उन्हें देते हैं तो उस कार्य का निर्वहन करना उनका कार्य होता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य की तरफ से किसी भी कोर्ट में पेश होना भी एडवोकेट जनरल का कार्य होता है। यानी ये उनकी ड्यूटीज़ हैं कि यदि वो एडवोकेट जनरल हैं किसी भी स्टेट के, तो यदि उन्हें स्टेट की तरफ से कहीं भी पेश होना है या फिर अपीयर होना है कोर्ट के अंदर, तो उन्हें
वहाँ पे पेश होना मस्ट है, ज़रूरी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत एडवोकेट जनरल को राज्य के दोनों हाउस विधानसभा व विधान परिषद में बोलने का व भाग लेने का अधिकार है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट जनरल हैज़ टू राइट टू स्पीक एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शंस एंड द मीटिंग्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज। यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउस हैं उन दोनों में एडवोकेट जनरल को राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें और भाग लेवें या फिर उनमें बोले, या राइट टू स्पीक का राइट है। एडवोकेट जनरल को विधानसभा व विधान परिषद में वोट देने का अधिकार नहीं होता। जो अनुच्छेद 177 है या आर्टिकल 177 है भारत के संविधान का, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और एडवोकेट जनरल को अधिकार देता है जो मीटिंग्स होती है एमएलसी की और एमएलए की, उसमें बोलने का व पार्टिसिपेट करने का, लेकिन एडवोकेट जनरल को उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। आगे जानेंगे, थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। भारत में एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता की तनख्वाह राज्य के गवर्नर, सीएम व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श करके निर्धारित करते हैं। जो सैलरी है या जो रेम्यूनरेशन है एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता का, वो गवर्नर के हाथ में होता है या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि वो जो भी रेम्यूनरेशन उचित समझे वह उसे दे सकता है। यानी कोई पेपर के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर निर्धारित नहीं है कि गवर्नर को ये पे मिलेगा, ये अलाउंसेस मिलेंगे, ये सारे पावर्स गवर्नर के पास हैं। और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके जो भी सैलरी या रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड कर सकता है। भारत में हर राज्य के एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता की तनख्वाह अलग अलग होती है। एज यू नो कि कोई फिक्स पे स्केल नहीं है या फिक्स मैट्रिक्स पे नहीं है, तो जिस कारण क्या होता है, हर राज्य के गवर्नर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी गवर्नमेंट से डिस्कस करके उसकी जो सैलरी होती है वो डिसाइड करते हैं। अब पे जानेंगे, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस प्रकार की कुछ रेम्यूनरेशन होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। रेम्यूनरेशन या पे मिलता है 90,000 रुपीज़ पर मंथ, 90,000 रुपये मिलते हैं। कई राज्यों में 1 लाख हो सकता है, कई राज्यों में 2 लाख हो सकता है, कई राज्यों में 50,000 हो सकता है, कई राज्यों में 40,000 हो सकता है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है कि ये डिपेंड करता है स्टेट पे। फीस पर हियरिंग इन हाई कोर्ट 10,000 रुपीज़, जब भी वो अपीयर होते हैं हाई कोर्ट के अंदर स्टेट की तरफ से, तो 10,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये भी 5,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, कई जगह हमने देखा लाखों में हो सकता है। फीस पर हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ पे भी अपीयर होने का जो फीस है वो 30,000, 50,000, लाख रुपये, ये वैरी करता है। ये सारे राइट्स हैं वो गवर्नर को दे रखे हैं, वो अपने विवेक अनुसार जो भी फीसेस हैं या रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड कर सकते हैं। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस का कहीं है प्रावधान कई राज्यों के अंदर कि एचआरए मिलेगा एडवोकेट जनरल को। और ग्रॉस सैलरी बनती है वो करीबन 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास बनती है, कई राज्यों में 2-2.5 लाख भी बनती है। तो ये जो विषय है ये संविधान के अंदर क्लियर नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर नहीं है, और कोई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रूलिंग नहीं बना रखी है या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये सारे स्टेट के पास पावर्स हैं, गवर्नर के पास पावर्स हैं। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे पर्क्स या फैसिलिटीज़ टू एडवोकेट जनरल, यानी क्या क्या सुविधाएँ मिलती है महाअधिवक्ता को। पहला तो गवर्नमेंट बंगलो है, कई राज्यों में हमने देखा है कि सरकारी बंगला मिलता है जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं उन्हें। कई राज्यों में एचआरए दिया जाता है, कई राज्यों में दोनों ही नहीं दिए जाते। फिर गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी भी मिलती है महाधिवक्ता को। फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो सरकारी गाड़ियाँ मिलते, सरकारी बंगले मिलते हैं वहाँ पे मुफ्त की बिजली व पानी की सुविधा भी महाधिवक्ता को दी जाती है कई राज्यों में। फिर सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय स्टेट पुलिस, लगभग हमने देखा है कि 80% केसेस के अंदर जो एडवोकेट जनरल होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है जब तक वो एडवोकेट जनरल रहते हैं तो। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस या यात्रा भत्ता मिलता है जब भी वो केसेस में अपीयर होते हैं हाई कोर्ट में, वेरियस हाई कोर्ट्स में, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब वो जाते हैं, तो या तो उन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा या फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ स्टेट द्वारा दी जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।